An object may have, option A, varying speed without having varying velocity. अब स्पीड जो है वो तो वेरी कर रही है लेकिन वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्पीड 3 से 4, 5, 6 चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ओके, तो ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, ऑप्शन ए इज रॉन्ग. बी ऑप्शन देखते हैं. वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड, स्पीड वेरी नहीं कर रही, वेलोसिटी वेरी कर रही है. वेलोसिटी वेरी कर रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड 3 है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये कंडीशन पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. सी ऑप्शन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, बिना वेरिंग वेलोसिटी के ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी वेरी होगी या चेंज होगी तभी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा या फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा. ठीक है, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू वेरिंग वेलोसिटी, नॉट ड्यू टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, नॉन जीरो होने के लिए वेलोसिटी को वेरी होना पड़ेगा, विदाउट नहीं होगा. ओके, डी ऑप्शन देखते हैं. नॉन जीरो एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड. अब स्पीड आपकी वेरी ना करे, ओके, फिर भी एक्सेलरेशन हो आपके पास. ये देखिए, स्पीड आपकी वेरी नहीं कर रही फिर भी एक्सेलरेशन है. हाँ है, क्योंकि इस कंडीशन में जब सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी पे लग रहा होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो स्पीड वेरी नहीं हो रही और एक्सेलरेशन भी है, यानी कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन है. तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन है विदाउट वेरिंग स्पीड, यस, ये कंडीशन पॉसिबल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू.